तो अब क्या होगा जब हम इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो ये तो हो गया कंडक्शन करंट जो कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फ्लो कर रहा है और एयर एक्ट एज एन इंसुलेटर अब क्योंकि एयर एयर जो है वो क्या एक है एक इम इंसुलेटर है परफेक्ट परफेक्ट तो है नहीं इम इंसुलेटर है तो वहां से भी करंट लीक आउट होगा सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड लीकेज करंट लीक करंट यहाँ दे रखा है मैंने लीक करंट सही है तो अब ये जो लीक करंट अब देखो क्या हुआ जो करंट इस कंडक्टर से एयर के इम्परफेक्शन की वजह से लीक हो गया उसको कितनी इजीली uh, एयर अपने अंदर से पास होने दे रही है उसको कितना इजीनेस ऑफर हो रही है जब वो करंट लीक हो रहा है एयर से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ जी दिस इज वर्ड रिकॉर्ड शंट कंडक्टर कंडक्टेंस और शंट पैरामीटर समझ में आ रही है तो इजीनेस विद विच इलेक्ट्रिक करंट लीक्स आउट थ्रू द एयर एज एन इंसुलेटर इज नोन एज जी तो इसीलिए हम लोग याद करो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं कंडक्टर जब हमने आर एल सी पैरामीटर आर एल सी एंड जी ये पैरामीटर जब इस्तेमाल करे थे तो आर दिखाया था कंडक्टर के अंदर सही है एल भी कंडक्टर का ही दिखाया था लेकिन सी दिखाया था दो कंडक्टर के बीच में और जी भी दो कंडक्टर के बीच में दिखाया था समझ मारी बात ये तो दिस वन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच में सेटअप हो रही है एंड दिस वन रिप्रेजेंट दस की जो कितना लीकेज करंट लीक आउट होगा फ्रॉम वन कंडक्टर टू द नेक्स्ट वन समझ मारी बात ये तो ये जो लीकेज हो रहा है ना उसको कितना इजीनेस ऑफर कर रही है मतलब एयर कितना ईजिली लीक करवा दे रही है दिस इज वॉट वी कॉल्ड द कंडक्टेंस और शन कंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन समझ मारी बात यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ बड़ी ही डेप्थ में तैयार मैंने करी करिए सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी तो ये...